हेलो दोस्तों, आज हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो रियल लाइफ में आ जाएगी। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम सबका प्यारा डोरेमोन बनाते हैं। और ये देखो, हमने पूरा गोल बना दिया क्योंकि डोरेमोन भी गोल मटोल है। और ये देखो, हमने उसका फेस तैयार कर दिया, देखने में तो रियल डोरेमोन लग रहा है। अरे हाँ बोचंग, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये देखो, अब हम उसके लिए वेपन बना रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा वेपन बनेगा उसका जादुई पॉकेट, मतलब कि जादुई जेब, जहाँ से वो बहुत अच्छे अच्छे गैजेट निकाल के मेरी मदद करता है। अरे दोस्तों, तुमने ये मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ तो कितना गंदा रास्ता है। और ये देखो, दो झाड़ फूड भी है। अरे ये कितना डेंजर भूत है, यहाँ पे मेरे को कहाँ फंसा दिया। चलो मैं अपने जादुई जेब से इसको मारता हूँ। अरे ये तो मर ही नहीं रहा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे दोस्तों, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे ये ले, अरे वाह, मेरी जादुई जेब ने तो इसे मार दिया। तो चलो दोस्तों, अगली ड्राइंग शुरू करते हैं। और हम यहाँ बनाने वाले हैं अपना बोना सिंचैन। इतना बोना है वो, उसको बनाने में तो यहाँ कलर की पेंसिल भी खत्म नहीं होगी। और ये देखो, हमने उसका स्कूटर जैसा मुंह बना दिया। हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो उसकी शक्ल देख के लगता है जैसे कि वो सुबह से नहाया नहीं है। और चलो दोस्तों, अब उसका वेपन बनाते हैं, मतलब कि जिससे वो लड़ सके। तो उसका वेपन हो सकता है यहाँ पे टट्टी, क्योंकि वो पूरी टट्टी टट्टी जैसी बातें करता है जो किसी को समझ में नहीं आती। अरे देखा, हमने उसकी टट्टी वाली पावर बना दी। अब देखते हैं सिंचन यहाँ क्या करेगा। अरे सुनियो, तुम टेंशन मत लो, अगर सिंचन को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे भी चटनी बना देगा। और ये देखो, ये तो कैसे दुश्मनों को धार मार रहा है अपनी टट्टी वाली पावर से। अरे दोस्तों, तुमने मुझे टट्टी वाली पावर क्यों दे दी, मेरे को कोई अच्छी पावर दे देते। ये देखो कैसे लाइन से दुश्मन आ रहे हैं। अरे तुमने मेरे को बड़ी बेकार पावर दे दी, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ के सारे पैसे उठा लेता हूँ और मैं बिल्कुल अमीर हो जाऊंगा। इतना अमीर क्योंकि मैं स्कूल से छुट्टी लेके गोवा जाऊंगा घूमने। अरे बेटा, गोवा तो तुम बाद में जाना, पहले इतने सारे दुश्मनों से तो लड़ रहो। मुझे पता है तुम्हारी टट्टी वाली पावर ज्यादा तक चलेगी नहीं, क्योंकि तुम तो एक नंबर के फुसड़ हो और तुम्हारी पावर भी एक नंबर की फुसड़ होगी। अरे बेटे गिंडू जियान, तुम मेरी टेंशन मत करो, तुम तो बोल रहे हो मेरी तागड़ फुसड्डी होगी। और देखो यहाँ पे मैंने सबको मार दिया है। अरे भाई, सारे के सारे पैसे उठा लूंगा। अरे ये देखो, मुझे चाबी भी मिल गई, लगता है मेरे को बंगला मिलेगा। अरे ये देखो, मैं तो यहाँ कितना बड़ा हो गया। जियान, अब तुम गैप बकवास करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ही चढ़ जाऊंगा। ये देखो, मैं तो पत्थरों को भी घेर तोड़ रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल जीत गया, अब बस मुझे उस लाइन के पास जाना है, फिर मैं जीत जाऊंगा। अरे भैया, जीत गया मैं तो। चलो दोस्तों, अब हम अगली ड्राइंग बनाते हैं। और अगली ड्राइंग हम बना रहे दुनिया का सबसे शरीफ लड़का, मतलब कि हम सब का प्यारा। अरे मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें पता चला है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये देखो, ये बन चुका है हमारा दुनिया का सबसे प्यारा लड़का नोबिता। क्या कहा बोचा, दुनिया का सबसे प्यारा? मुझे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ लगता है। और ये देखो, अब हम इसकी वेपन बनाने वाले हैं। तो हम इसका हथियार बनाएंगे, इसका सबसे प्यारा चश्मा, क्योंकि ये हमेशा चश्मा पहन के रहता है, रात को सोने टाइम भी और सुबह हगने टाइम भी। अरे जियान, तुम मेरे चश्मे की टेंशन लेना बंद करो, तुम तो अपना गोल मटोल पेट देखो, कैसे अदरक की तरह बाहर निकली जा रहा है और सबको देख देख के हंस रहा है। अरे ये देखो, मैं यहाँ पे कैसे सबको धड़ धड़ करके मार रहा हूँ। अरे ये देखो, मैं तो घास भी खा लेता हूँ। अरे ये देखो, वो जलते हुए कीड़े कैसे मेरे ऊपर आ रहे हैं। अरे तुमने मुझे चश्मे वाली पावर क्यों दे दी है, मेरे को तो आयरन मैन वाली पावर देते तब मजा आता। अरे ये देखो, मैं तो हल्क की तरह कितना बड़ा हो गया हूँ, अब आ रहा है ना मजा, अब मैं सबको मारता रहूंगा धड़ धड़। ये देखो, मैंने सबको मार दिया, अब यहाँ एक भी कीड़ा नहीं है, अब बस मेरे को यहाँ पे पैसे उठाने हैं और अमीर बनना है। लास्ट में हम सबके पैसे गिनेंगे कि कौन कितना अमीर बना है, कितना गरीब। अरे भाई, ये चश्मे वाली पावर तो मैं हमेशा के लिए रखना चाहूंगा। दोस्तों, अगर तुम्हें मेरी चश्मे वाली पावर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो, मैंने कैसे सारे का सारा रास्ता खाली कर दिया, सारे का सारा सामान उठा के। मैं किसी को कुछ भी लूटने नहीं दूंगा, सारे का सारा सामान मैं ही उठा लूंगा। अरे ये देखो, अब तो मैं यहाँ जीतने ही वाला हूँ। मोटा जियान कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं जीत गया। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो चलो दोस्तों, हम अपनी अगली ड्राइंग बनाते हैं। और अगली ड्राइंग हमारी होगी दुनिया का सबसे तीखा मुंह वाला लड़का, मतलब कि इतना तीखा कि कील भी उसकी आगे ढीली पड़ जाए। और ये देखो, हमने दुनिया का तीखा लड़का बना दिया, जो कि है सुनियो। अरे हाँ जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, अगर तुम्हें कील की जरूरत होगी तो सुनियो का मुंह ले जाना दीवार पे ठोकने के लिए। अपनी बकवास बंद करो, अब मैं यहाँ पे अपने वेपन बनाने वाला हूँ। और मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे डॉलर का निशान, क्योंकि मैं काफी अमीर हूँ और बाकी सारे के सारे फटीचर गरीब हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।
सुनियो, ज्यादा बकवास ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि इन कीड़ों के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारी ये पावर भी कुछ काम नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? अरे जान, तुम अपनी बकवास बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सिक्के की पावर से तुम्हारी रेल बना दूं। अरे ये देखो, मेरे को तो कैसे प्रोटेक्शन मिल गया, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। अरे वाह जान, तुम भी नहीं। चलो भाई, देखो क्या। कोई बात नहीं, सुनियो, तुम्हारी पावर खत्म होने दो, फिर तुमको मुर्गा बनाऊंगा और तुम्हारे अंडे नोबिता और बोचैंग को खिलाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये देखो दोस्तों, मेरे पास डॉलर की पावर कितनी मस्त है, और ये देखो मुझे सोने की चाबी भी दिख गई। तो चले दोस्तों, यहाँ से पैसे उठाते हैं और चाबी लगता है, ये मेरे सपनों का महल है। अरे ये देखो, ये कैसी पावर मिली है, डॉलर डॉलर डॉलर, हर पास डॉलर, क्या बात है। मैं तो यार एकदम मस्त खेल रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि अब तो मेरे आगे सबके सब गरीब होंगे, नवीदा तुम भी मेरे आगे भिखारी होंगे। अरे बेटा सुनियो, पहले तुम इस गेम को जीत लो, तभी तो तुम यहाँ पे सपनों का महल ले पाओगे, क्या पता तुम बीच में ही हार जाओ। अरे ये क्या, ये देखो इसको तो प्लस पॉइंट मिल गया, मतलब कि इसकी हेल्थ। और ये देखो, इसको तो यहाँ बंदूक से ही मार रहे हैं, पर ये सुनियो है कि मरता ही नहीं, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था। अरे ये देखो, हमारे गुंडे खत्म नहीं हो रहे, सुनियो की ऐसी रेल बना देंगे, इसको ही पता चलेगा कि ये गेम इतनी आसान नहीं है। अरे नोबिता तुम मेरी टेंशन मत लो, ये देखो मैं तो यहाँ जीतने ही वाला हूँ, बस लास्ट का रह गया है, एकदम पास रह गया हूँ मैं इस रस्सी के। अरे ये देखो दोस्तों, मैं तो यहाँ जीत गया। तो चलो दोस्तों, अगली ड्राइंग मैं बनाता हूँ, जो कि सबका सबसे प्यारा लड़का है, जिसको सब लोग प्यार करते हैं, जो किसी को तंग नहीं करता, मतलब कि मैं खुद। देखो दोस्तों, मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ, गोल बोटोल सा। तो दोस्तों, अगर तुमको मेरी फोटो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना। अरे वाह जी, तुम तो कुत्ते के बच्चे की तरह बड़े क्यूट लग रहे हो। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी पावर बनाता हूँ, और मैं इन बच्चों की तरह पैसे या टट्टी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे अपना बनाऊंगा बेसबॉल बैट, क्योंकि मैं मारने वाला हूँ दुश्मनों को। तो इसके लिए मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग बैट, और मेरा बेसबॉल बैट ही सबकी हवा टाइट कर सकता है, उन सबकी टट्टी निकाल देगा। अरे जी आन, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे तुम्हारी टट्टी निकल जाए। अरे नोबिता, तुम अपनी बकवास बंद करो, जब भी बोलते हो एकदम बकवास बोलते हो, तुम देखना मैं इन कीड़े मकोड़ों का कैसा हाल करूंगा। ये तो तुम्हारे लिए होंगे शक्तिशाली, लेकिन मेरे लिए तो कीड़े मकोड़े हैं, ये देखो मैं कैसे मार रहा हूँ। अरे वाह जियान, तुम तो बढ़िया खेल रहे हो, मुझे तो लगा था तुम तो 2 सेकंड में मर जाओगे, लेकिन तुमने अपना बेसबॉल वाला बैट लेके बहुत अच्छा काम किया है। सुनियो तो पागल है, जो डॉलर का निशान लेके घूम रहा था। अरे बोचैंग, मुझे पता ही था कि यहाँ मेरा बेसबॉल बैट ही काम आने वाला है, तुम सब तो डफर हो, तुम सबको तो गटर में रहना चाहिए। पता नहीं तुम हमारे साथ क्यों रहते हो, और ये देखो मैंने यहाँ पे सबको मार दिया। आए मोटे गहने जी आन, तुम इतनी बकवास कर रहे हो कि मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि तुम मर जाओ। हे भगवान जी आन मर जाए, हे भगवान जी आन मर जाए, हे भगवान जी आन मर जाए। अरे दोस्तों, तुम जम्मी मेरे साथ प्रेयर करो कि आज जी आन यहाँ पे मर जाए, ताकि इसको पता चले कि यहाँ पे किसी की बेइज्जती करने से क्या होता है। अरे नोबिता, तुम और तुम्हारे सब्सक्राइबर जितनी चाहे भगवान से प्रार्थना कर ले, मैं यहाँ पे हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी फट्टू हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी फट्टू है, और ये देखो दोस्तों मैं यहाँ जीत गया।